नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर दोस्तों चैनल पर दोस्तों एस लाभार्थियों के लिए ट्रीटमेंट में नई सुविधा की शुरुआत हुई है जिसका सभी को फायदा मिलेगा अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया तो आइए दोस्तों पूरी खबर को देखते हैं विस्तार से इस वीडियो में वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें वेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों आर्मी एयरफोर्स नेवी के जितने भी भूतपूर्व सैन्य कर्मी ईसीएचएस के लाभार्थी हैं उनको तथा उनके आश्रतो के लिए ईसीएचएस ने एक नई सुविधा शुरू की है जिसके संदर्भ में सेना मुख्यालय के एजी ब्रांच की तरफ से 5 अक्टूबर 2018 को यह लेटर जारी किया गया है जिसका सब्जेक्ट है, दोस्तों जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं प्रायर सैंक्शन फॉर ट्रीटमेंट इन नॉन एमपेनल्ड हॉस्पिटल यानी कि जो हॉस्पिटल इसी में एम्पेनल्ड नहीं है अगर आप उसमें ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं सी लाभार्थी अपना और अपने आश्रितों का तो उनको पहले सैंक्शन लेने की जरूरत है पहले सैंक्शन लेना पड़ेगा और ये ट्रीटमेंट मैनेजमेंट जो ई की एसओपी जारी की गई है 28 सितंबर 2018 को उसके पैरा एट ए में भी दिया गया है डिटेल से आप वहां भी देख सकते हैं और इस लेटर में भी आप स्टडी कर सकते हैं इस लेटर से भी देख सकते हैं और आपका ई जिस रीजनल सेंटर के अंदर आता है उसका जो डायरेक्टर है वो आपको इसकी परमिशन सेंक्शन करेगा उनको ये ऑथरिटी दे दी गई है लेकिन ये जो नीचे पांच केसेस है इनको छोड़कर ये केसेस कौन कौन से हैं? जिसमें मेजर कार्डियक सर्जरी यानी दिल की जो ऑपरेशन या बड़ी बीमारियां हैं कैंसर का इलाज ऑनकोलॉजी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यानी किसी अंग का प्रत्यारोपण करना किसी जॉइंट का रिप्लेसमेंट मेजर न्यूरोलॉजिकल सर्जरी डिसीजेज और बेरियट्रिक सर्जरी बेरियट्रिक सर्जरी यानी कि जो ओबेसिटी को कम करने के लिए जिनके स्टोमक का साइज घटाया जाता है वो सर्जरी इनको छोड़कर और इसके फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं है प्रायर सेंशन के लिए इसका फॉर्मेट सेम वही है जो सीओ सी के लिए लेकिन आपका जो एक्सपेंडिचर है जो खर्चा होगा उसके जो बिल का रिएमबर्समेंट होगा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा जो सी जी एच एस रेट्स है उन्हीं रेट्स पर मिलेगा हॉस्पिटल आपसे कितना भी चार्ज ले उससे कोई कंसर्न नहीं है उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए सीजीएचएस ने जो रेट निर्धारित किए हुए हैं उतने अमाउंट का बिल आपका सेंक्शन हो जाएगा और ऐसे केसेस में जब आप कराने जाओगे कहीं ट्रीटमेंट तो आपको ट्रेवलिंग एलाउंस नहीं मिलेगा ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप कहीं भी जा रहे हैं आप बोलोगे क्लेम करते समय कि हमारा ट्रेवलिंग में खर्चा इतना हुआ वो क्लेम नहीं होगा और 10 अक्टूबर 2018 तक जितने भी केसेस थे जितने भी एप्लीकेशन रिसीव हुए थे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ई द्वारा उनको प्रोसेस्ड कर दिया गया है अब यहां से आगे जितने भी केसेस होंगे वो सारे रीजनल सेंटर डायरेक्टर उनको सैंक्शन देगा तो दोस्तों अब आप नॉन एम्पेनल्ड ई हॉस्पिटल में जिस किसी में भी आपको चाहते हैं कि इसमें मैं अपना ट्रीटमेंट कराऊं वहां आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं उसका पूरा रियम्बर्समेंट खर्चा जो है आपको सी द्वारा जो रेट निर्धारित किए गए हैं आपका वो क्लेम हो जाएगा इसकी डिटेल स्टडी आप ई सी एसओपी में भी कर सकते हैं और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा आप वहां से भी ये लेटर डाउनलोड करके अध्ययन कर सकते हैं तथा अपने साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो भाई इसका लाभ उठाना चाहता है वो लाभ उठा सकता है तो ये थी जानकारी इस वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत